आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोरोना पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन की कमी दूर करने को लेकर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। गिरा स्थित ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। तैनात किए नोडल अधिकारी। कहा नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन की कमी। गोरखपुर में पहली बार 1000 पार। मंगलवार को मिले 1067 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 3 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 30,639। अब तक 397 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 6,858 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। कहा कोविड प्रोटोकॉल का करे सख्ती से पालन। अब सीधे अपने घर नहीं जा सकेंगे। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर गुजारनी होगी क्वारंटाइन सेंटर में रात। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। कोरोना महामारी के मद्देनजर नवीन महिमा मंडी में लगने वाले मंडियों का समय किया गया निर्धारित। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा अलग अलग समय पर लगेगी मंडी। होता रहेगा मंडी का सैनिटाइजेशन। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के 70 वार्डों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कलेक्ट्रेट परिसर को किया गया सैनिटाइज। नगर आयुक्त ने कहा जारी रहेगा सैनिटाइजेशन का कार्य। अब घर बैठे ही ग्राहक खोल सकेंगे SBI शाखा में इंस्टा बचत खाता। DGM PC बरोड ने कहा SBI योनो ऐप से सिर्फ आधार और पैन कार्ड से प्राधिकृत करने पर ही खुल जाएगा खाता। नहीं लगाना पड़ेगा बैंक का चक्कर। ऑटो चालक नहीं कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन। ऑटो में कर रहे हैं ओवरलोडिंग। SP ट्रैफिक ने कहा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी विधिक कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा शहर की सफाई के साथ जल जमाव से बचने के लिए नालों की जा रही है सफाई। स्वच्छता पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। जिला अस्पताल सहित 86 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के 4,488 नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज के 3,092 तो सेकेंड डोज में 1,396 लोगों का किया गया टीकाकरण। CMO ने कहा बचाव ही है उपचार। लगाए मास्क। करे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। रहे सुरक्षित। महाअष्टमी पर्व पर भारत सेवाश्रम संघ ने स्थापित किया मां दुर्गा की प्रतिमा। अष्टमी पर मंगलवार को उतारी गई मां की आरती। देश को कोरोना संकट से मुक्त करने की गई आराधना। शासन के निर्देश पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू मंगलवार को भी रहा लागू। प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस करा रही है कर्फ्यू का कड़ाई से पालन। और महाअष्टमी पर गोलघर स्थित काली मंदिर पर भक्तों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत की मां काली की आराधना। देश को कोरोना से मुक्ति के लिए की प्रार्थना।